संसार का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मकराना में था। लेकिन आज अगर किसी शाहजहां को एक बार फिर अपनी मुमताज की याद में कोई ताजमहल बनवाना हो तो उसके जेहन में सिर्फ एक ही नाम उभर कर सामने आएगा, वो है आर के मार्बल। जी हाँ, ये बने करोड़पति के सफर में हमारा अगला पड़ाव था उदयपुर। उदयपुर में हमने जिससे भी संगमरमर का पता पूछा, सबने यही कहा आर के मार्बल। लेकिन आज हम आपको न तो संगमरमर की कहानी सुनाने वाले हैं और न ही आर के मार्बल की। आज हम आपको मिलाने लिए चलेंगे 26 साल के उस नौजवान से जो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बात बंडर सीमेंट के विवेक पाटनी की। ऊंचा कद, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी, चमकीली आंखें और ब्रिटिश उच्चारण। विवेक पाटनी उदयपुर के आरके मार्बल घराने से ताल्लुक रखते हैं। विवेक पाटनी के पिता विमल पाटनी ने ही सबसे पहले अपने भाई अशोक पाटनी को संगमरमर का काम करने के लिए प्रेरित किया था। अशोक पाटनी, विमल पाटनी और सुरेश पाटनी, तीनों भाइयों ने संयुक्त रूप से संगमरमर का काम शुरू तो किया 1988 में, पर इसे कंपनी का रूप मिला 1989 में। तब विवेक पैदा नहीं हुए थे। जब विवेक का जन्म हुआ तब तक पाटनी परिवार संगमरमर किंग के रूप में देश भर में जाना जाने लगा था। देश भर में कहीं किसी को संगमरमर की तलाश होती तो उसके लिए एक ही पता था, उदयपुर में आर के मार्बल। विवेक का लालन पालन एक संयुक्त परिवार में हुआ। पिताजी के तीन भाई, उन सभी के बच्चे, सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। तीनों भाई संयुक्त रूप से संगमरमर के कारोबार में हैं। विवेक जब बड़े हुए तो घर के लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारी दिलचस्पी किस काम में है। विवेक ने बहुत सोचा, संगमरमर का काम तो अच्छा खासा चल रहा है, अरबों रुपए का कारोबार है, अगर मैं इसमें लग जाता हूँ तो इस जमे जमाए काम में मैं नया क्या करूँगा। लंदन से मैनेजमेंट करके भारत आए विवेक के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। घर में सब था, बसी बसाई जमी जमाई जिंदगी। पिता के पास बैठकर वो घंटों बातें करते, पिता अपनी कहानी बेटे को सुनाते, कैसे वो संगमरमर के काम में आए, कैसे उन्हें लगा कि आने वाले समय में दुनिया संगमरमर की दीवानी होगी, कैसे एक बहुत छोटे से केबिन से उनका काम शुरू हुआ। विवेक को पिता की संघर्ष की कहानी से बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने पिता से कहा, पापा, संगमरमर का धंधा तो जमा जमाया है, क्या मैं कुछ अलग काम शुरू करूं? और वहीं से शुरू हुई कहानी संगमरमर से सीमेंट की, वंडर सीमेंट की। साल 2012 में पिता ने सीमेंट के संसार को समझना शुरू किया। संगमरमर खदान से निकलकर रात रात भर किसी सीमेंट प्लांट में बैठने लगे, समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर पत्थर का वो कौन सा अवशेष होता है जो पत्थर को ही जोड़ देता है। साल 2012 में राजस्थान में नींव पड़ी वंडर सीमेंट की, और 2015 में सीमेंट के काम से जुड़ गए पिता विमल पाटनी के पुत्र विवेक पाटनी। विवेक बेशक खेलने कूदने की उम्र में बिजनेस में आ गए, लेकिन परिवार हमेशा उनके साथ रहा। उनके दफ्तर में इसकी झलक साफ दिख रही थी। हमने विवेक से पूछा कि 6 साल में वंडर सीमेंट कहां से कहां तक पहुंचा है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, आंकड़ों की बात तो मोहता साहब से ही पूछें। वंडर सीमेंट चालू हुआ 2012 में, कोई बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, और इतनी फास्ट ग्रोथ
करने के कुछ बहुत फंडामेंटल रीजंस हैं। उसमें से प्राइम रीजंस जो समझ में आते हैं कि एक तो फेयर डीलिंग्स, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग, गुड क्वालिटी मटेरियल, और गुड क्वालिटी के साथ में कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी, आखिर इस सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? तो विवेक कहने लगे, पापा ने सिखलाया है कड़ी मेहनत और ईमानदारी। लोग बिजनेस का मतलब कुछ भी कहें, पर कड़ी मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं व्यापार में। व्यापार दरअसल कुछ भी नहीं, व्यापार सिर्फ व्यवहार है। आप अपने व्यवहार से किसी का दिल जीतते हैं। व्यापार में कामयाब वही होता है जो दिल जीतना जानता है। दिल जीता जाता है ईमानदारी से।